जहां योगी सरकार रोजगार देने का बड़ा बड़ा प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नौकरी पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया जा रहा है। बहराइच में बिना नोटिस के स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। लगातार स्वास्थ्य कर्मी अधिकारियों की चौखट पर दस्तक देते नजर आ रहे हैं। शासन से लेकर प्रशासन तक खाक छान रहे हैं। निष्कासित स्वास्थ्य कर्मियों ने विकास भवन में CDO को मांगों का ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि बिना नोटिस के उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो उनसे 3 माह तक काम लिया गया उसका वेतन तक नहीं दिया गया है। अब अपने बकाए वेतन व पुनः नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि CMS द्वारा उनसे कहा गया है कि उन्हें मेडिकल स्टाफ की जरूरत है, लेकिन जिलाधिकारी और CMO भी अनदेखी कर रहे हैं। कोरोना काल में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की जान बचाई। जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही है तो इनको नौकरियों से भी निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरियाँ खत्म की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इन स्वास्थ्य कर्मियों की कौन सुनता है। मतलब ये है कि हम लोग 3 महीना पहले नियुक्त किए गए थे यहाँ पे, ठीक है, 3 महीने से कार्य कर रहे हैं, ना बगैर कोई नोटिस दिए हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और 3 महीने से ना सैलरी दी गई है। जबकि हमारे CMS साहब ने ये कहा है कि हमें 3 महीने के लिए और स्टाफ चाहिए, बट CMO और जिलाधिकारी के मतलब कोई वो नहीं मिल रहा है हमें। हम 3 दिन से 4 दिन से उनके आसपास इधर उधर दौड़ रहे हैं। चाहते ये हैं कि हमारी सैलरी दी जाए और हमें फिर से 3 महीने के लिए जो हमारे CMS साहब स्टाफ की मांग कर रहे हैं उसका विस्तार किया जाए।